पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का मखौल किस तरह उड़ाया जा रहा इसे समझना है तो जनपद सीतापुर की नगर पंचायत तमसित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चले आइए। यहाँ अस्पताल परिसर में व्याप्त गंदगी और चारों तरफ उगी जंगल झाड़ियाँ हकीकत को आईना दिखा रही हैं। यह उस अस्पताल का हाल है जहाँ बीमार लोगों का इलाज होता है। जिस अस्पताल में मरीजों तीमारदारों को स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए वहाँ भीषण गंदगी है। अस्पताल में प्रवेश करते ही गेट पर बड़ी बड़ी घास देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल में सफाई व्यवस्था किस तरह की है। यहाँ तैनात डॉक्टर सुभाष चौधरी की माने तो यह अस्पताल जब से बना हुआ है तब से यहाँ अधीक्षक और सफाई कर्मी की नियुक्ति ही नहीं की गई। बहरहाल आइए पहले जानते हैं वहाँ मौजूद नरेंद्र गुड्डू और इरफान का क्या कहना है। गुड्डू भाई आप कहाँ रहते हैं? काकापुर। अच्छा 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 यही मोहल्ले में जो स्वास्थ्य केंद्र बना है यही मोहल्ला आपका है? यही मोहल्ले। अच्छा तो गुड्डू भाई ये बताइए स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जो गंदगी है उसके बारे में क्या बताएंगे आप? अरे यहाँ बहुत गंदगी है और तीन तीन सांप कल गिरोह चढ़े थे। अच्छा अच्छा यहाँ लड़के का बहुत खतरा रहता है। हाँ और बहुत कोई डॉक्टर वगैरह ध्यान नहीं दे रहे? नहीं कोई यहाँ नहीं ध्यान दे। अच्छा ठीक। इरफान भाई आप यही रहते हैं? जी। चाकापुर में? अच्छा ये बताइए कि जो आपके यहाँ चाकापुर में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है तो इसमें गंदगी के क्या सिस्टम है, क्या है गंदगी? गंदगी बहुत गंदगी है। अच्छा 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 बहुत गंदगी। सांप वगैरह निकलते हैं वहाँ? हाँ सांप वगैरह निकलते हैं। हाँ जी। अच्छा बड़ी बड़ी घास लगी? बड़ी बड़ी घास लगी है। अच्छा अच्छा ठीक जी। नरेंद्र, नरेंद्र भाई ये बताइए कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र के अंदर ये सब गंदगी फैली हुई है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे साफ सफाई होना चाहिए। हाँ। स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ। इसमें अब आते जाते हैं यहाँ। हाँ। जब सफाई नहीं है तो लोग सुरक्षित किस तरह के रहेंगे? साफ सफाई से आदमी स्वस्थ रहता है। जी। केंद्र अस्पताल का मतलब साफ सफाई होना चाहिए। इसमें देखे साफ सफाई, इतना गंदगी है, जंगल लगा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को कि साफ सफाई हो। बताते चले कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पैंतेपुर के इस भवन का निर्माण लगभग 10 साल पहले तत्कालीन चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अफजल के कार्यकाल में हुआ था। अस्पताल के चारों तरफ इस कदर जंगल झाड़ियां उगी हुई हैं कि यह विषैले जीव जंतु के लिए मुफीद ठिकाना बना हुआ है। ऐसे में अस्पताल आने वाले मरीजों और तीमारदारों को जानवरों जीव जंतुओं का भी खतरा सताता रहता है। देखे आई इंडिया पैतेपुर संवाददाता मोहम्मद कदीर की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। नगर पंचायत फतेहपुर में और आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे एक अचाकापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है जहाँ पे गंदगी की भरमार है और पूरी तरीके से घास वगैरह सब जंगली घास लगी हुई है। यहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र के जो अधिकारी या डॉक्टर हैं किसी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि कैसे ये घास लगी हुई है और किस तरीके से यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये गंदगी फैली हुई है और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये अगर कोई ये जो कमरे बने हुए हैं आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ सब घास लगी हुई है। जाने का रास्ता भी कायदे से नहीं है लेकिन किसी तरीके से यहाँ पे कोई भी जो डॉक्टर यहाँ के हैं ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना जो सफाई कर्मी है वो यहाँ पे आते हैं, ना कोई ध्यान दे रहा है, किसी तरीके से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आई इंडिया के लिए फतेहपुर से मोहम्मद कदीर की रिपोर्ट। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।